Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Upasana and I hope you all are doing great. तो इस टाइम पे मैं बैठी हूँ सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट. Yes everyone, we are going to India after 3 years. मतलब 3 साल के बाद हम इंडिया जा रहे हैं. That's so much excited and exciting news. And one most important thing, यहाँ पर क्या क्या इन्होंने चेक इन में पूछा as such, you know that अब कोविड का जो भी टेस्ट वगैरह है वो रिक्वायर्ड नहीं है. तो एंड विद बेबी बोर्डिंग में भी कोई प्रॉब्लम है सच हम लोग को नहीं आई, क्योंकि बेबी के साथ हम लोग को काफ़ी बेनिफिट मिल जाते हैं. एंड यहाँ पर हमने व्हील चेयर भी करवाया था, तो मैं अपने बच्चे के साथ व्हील चेयर पर ही आई थी. तो दैट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर मी और एज वेल एज फॉर माई बेबी. एंड बाकी हम देखते हैं एरोप्लेन का टूर करते हैं कि मतलब तनिष्का का बिहेवियर कैसा रहता है, अगर क्या ज़्यादा क्रैंकी रहती है या नॉर्मल रहती है. दिस इज़ अ फर्स्ट टाइम एक्चुअली एंड इतने दिन बाद हम लोग भी जा रहे हैं, तो वी ऑल आर एक्साइटेड एंड मिलते हैं आप लोग से दोबारा. एयरप्लेन है देख लेते हैं. तनिष्का क्या कर रहे हो आप? वाव तनिष्का, आर यू प्लेइंग विद द रिमोट? Are you playing with the remote? हाँ भैया. So हम लोग अब फ्लाइट में बैठ चुके हैं अपनी. एंड ये है पूरा सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट. एज सच आधा दिख रहा है, बाकी आगे से है पूरा. It's time to say bye bye to सैन फ्रांसिस्को. Bye bye. Bye bye. हम लोग दिल्ली पहुंचने वाले हैं एंड इतना ज्यादा टायर्ड हो चुके हैं कि हमारी मक्खी भी लग चुकी है. देखो बहुत टायर्ड हो जाते हैं यार, 15 से 16-17 घंटे की ये जो जर्नी है ना, दैट्स रियली वेरी टफ. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बेबी देन इट्स रियली कूल. अभी अपनी मक्खी के बारे में बताइए. हमारा यहाँ पे जो ट्रेवल था यूएसए इंडिया तक का वो पूरा खत्म हो चुका है. नाउ वी आर एट आवर होम. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट आवर जर्नी, तो हमारी जर्नी यूएस टू दिल्ली बहुत स्मूथ रही, बट एट दिल्ली एयरपोर्ट as usual हम लोग का दिमाग आउट हो गया, बिकॉज यू नो डैट वेलकम टू एयरपोर्ट, वेलकम टू इंडिया. मैं आप लोग को क्या बताऊँ, मतलब इतना ज़्यादा हम लोग ने माइंड स्क्रूड अप कर दिया कि जो लगेज था, जैसे हमारा US टू लखनऊ की डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी एज सच, पहले US टू दिल्ली देन दिल्ली टू लखनऊ, बट हम लोग ने एक ही टिकट पर पूरा वो करवाया था. और वहाँ पर दिल्ली में क्या है, बैगेज आपको
फिर से बैगेज लेना था यहाँ वहाँ पर दिल्ली में कलेक्ट करना था एंड यूएस की फ्लाइट उतरने के बाद ही हमारी 2 घंटे बाद लखनऊ की फ्लाइट थी एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस इन दिल्ली एयरपोर्ट कि मतलब आपको वहाँ से फिर से बैगेज लेना है, फिर आपको सिक्योरिटी चेक करना है, फिर अगेन वही प्रोसेस। देयर आर 5 स्टेप्स जो कि हमने वहाँ पर कंप्लीट करे एंड वहाँ पर हेल्प करने के लिए जो होते हैं वहाँ पर जो हेल्पिंग वाले होते हैं व्हील चेयर वाला, अगर वो नहीं होता उसकी हेल्प के बिना आई थिंक हमारी फिर फ्लाइट छूट जाती लिटरली। इतना ज़्यादा स्क्रूड अप वहाँ पर किया दिल्ली एयरपोर्ट पे कि मतलब इतनी हड़बड़ी मच गई थी, मैं आप लोग को क्या बताऊँ। दैट्स रियली रियली स्क्रूड अप एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दैट एरोप्लेन और एयर इंडिया का एरोप्लेन की कैसा रहा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर नॉट हैविंग इवन अ सिंगल वाटर, दे आर नॉट हैविंग वाटर बॉटल्स टू गिव देयर क्लाइंट और टू गिव देयर सर्विस में वाटर बॉटल थी ही नहीं। इफ यू वॉन्ट वाटर देन जस्ट टेक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड जस्ट टेक इट एट योर सीट। मतलब कितनी बार इंसान वहाँ से ग्लास डिस्पोजल ग्लास के पानी भरकर लाएगा, इतने ज़्यादा हम लोगों के तो पानी के तो इतने ज़्यादा चक्कर लगे कि आप पूछे मत। एज सच यू नो सिक्योरिटी चेक पे बॉटल फिकवा देते हैं, पानी फिकवा देते हैं क्योंकि पानी अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। अरे तो तुम कम से कम वी आर एक्सपेक्टिंग कि आप फ्लाइट में तो पानी दो ना, वहाँ पर भी उन्होंने पानी नहीं दिया, आप जाके खुद ही लेकर आइए वो भी ग्लास में। एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द स्क्रीन्स ऑफ द एरोप्लेन तो वो तो एज यूजल इस बार भी काम नहीं किया एंड बाकी खाना बहुत अच्छा था एंड खाने में इस बार बहुत अच्छा एडवांटेज था। दे आर आस्किंग दैट यू वेज, डिट यू वॉन्ट वेज और नॉन वेज एंड वी ऑलवेज यू नो सपोर्ट नॉन वेज, देन हमने सब नॉन वेज लिया। खाने का ये चीज़ बहुत अच्छा था एंड ब्रेकफास्ट वगैरह ये सब भी बहुत अच्छा था। बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट सर्विस तो हमने उनसे पानी के लिए स्टार्टिंग में बोला दैट वी वॉन्ट वाटर। 5 लोगों से हमने वहाँ पर बोला, दे आर हैविंग 20 crew members इन द एरोप्लेन, ठीक है। तो 5 लोगों से हमने अलग अलग बोला एंड हमारे पास पानी नहीं आया, तो दैट इज़ रियली वेरी बैड थिंग। एंड नम 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 एंड तनिष्का पूरे 18 घंटे की फ्लाइट में पूरा 3 घंटे स्लिप जगह पाई की पूरे टाइम वो सोती हुई आई है, तो ये बहुत स्मूथ रहा। एंड दिल्ली एयरपोर्ट पे मतलब फ्लाइट से उतरते ही जब हम लोग बाहर की साइड गए देन वहाँ पर लोग खड़े थे एंड उन्होंने बोला कि कुछ लोगों को आप लोगों को मतलब RTG टेस्ट के लिए जाना पड़ेगा एंड उसका जो अमाउंट है वो आपको खुद ही भरना पड़ेगा 300 रुपये। एंड उन्होंने ऐसे बोला कि उनकी आवाज़ सबने उनको इग्नोर करा एंड एवरीबडी गोज एंड आई डोंट नो कि उन्होंने पीछे किसी को पकड़ा होगा लेकर जाने के लिए, बिकॉज वो जबरदस्ती भी कर सकते कि आपका टेस्ट होगा। मतलब बिना फालतू में टेस्ट, एवरीबडी इज़ वैक्सीनेटेड, ठीक है, सब लोग मतलब अपना मास्क लगा कर रहे थे, एवरीथिंग इज़ गुड। एंड RTG टेस्ट पहले जो 3000 में होता था अब वो 300 कर दिया, मतलब ये फालतू में फ्री फंड के वो है, मतलब लूटने का तरीका है। तो बेटर है अगर आप वहाँ पर जा रहे हैं तो आप वहाँ से निकल लो तुरंत ही, ठीक है। एंड इफ़ यू आर हैविंग अ बेबी तो ऑलवेज डू व्हील चेयर, 2 साल तक व्हील चेयर इज अलाउड विद बेबी, तो आप लोग हमेशा बेबी के साथ व्हील चेयर करिए अगर आपका बच्चा 2 साल से कम तक का है, आपके लिए फायदा होगा। गाइस इफ यू हैव एनी डाउट देन लेट टेल मी एंड आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल लेट यू नो। एंड बने रहिए मेरे साथ वीडियो पे एंड जो भी चीज़ होगी, कुछ भी वीडियो आएगी, आई विल रियली लेट यू नो। और हैव अ गुड डे, बाय बाय।